जय हिंद बंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सियाटा पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एडमिट कार्ड ऑफलाइन आएंगे या फिर ऑनलाइन, काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि जो एडमिट कार्ड आएंगे ऑफलाइन आएंगे या फिर ऑनलाइन। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको रिटन एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। सारे डाउट जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया है और जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, अब वो रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चार चरणों से गुजरना होता है। पहला चरण होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, ठीक है। तो ये तो आपका हो चुका है, प्रथम चरण तो आपका हो चुका है। तो जो भी बच्चे हैं जो प्रथम चरण क्लियर कर चुके हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये तो कंप्लीट कर चुके हैं यानी कि क्वालिफाई कर चुके हैं। अब बात आती है द्वितीय चरण की, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी। जो आपकी परीक्षा होगी वो परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन परीक्षा आपकी होगी द्वितीय चरण में, ठीक है। तृतीय चरण यदि आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं यानी रिटन एग्जाम क्वालिफाई आप कर लेते हैं, तो इसके बाद तृतीय चरण से आपको गुजरना होगा। तो तृतीय चरण में ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप तृतीय चरण क्वालिफाई कर जाते हैं यानी कि ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर जब आप चतुर्थ चरण पार कर जाते हैं इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, आशा मैं यही करता हूँ कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण जो भी आपके डाउट थे वो सब डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की। जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं अब उनको रिटन एग्जाम देना है, तो काफी बच्चों को यह भी नहीं पता है कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं सारे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए गाइस, लिखित परीक्षा दो पार्ट में आयोजित की जाएगी। प्रथम पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपटीशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। दूसरे पार्ट में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी कि दूसरे पार्ट में आपने जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन किया है, जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए हो गया आपका और पार्ट बी हो गया। तो पार्ट ए जो है आपका, पार्ट ए इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 50 तो ये हो गया आपके। फिर आ जाता है पार्ट बी, पार्ट बी इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया। यदि आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया तो सफाई कर्मचारी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो कुक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 100। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ से भी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा कितने घंटे का होगा। तो आपका जो ये पेपर होगा कुल 2 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपसे टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। तो पार्ट ए में क्या क्या पूछा जाएगा 50 नंबर के, तो पार्ट ए में देख लीजिए आप लोग। पार्ट ए में देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश कंप्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। ये तो हो गया आपका पार्ट ए वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। तो पार्ट बी जो होगा आपका ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था। देखिए ध्यान देने योग कुछ बातें हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। जिन बच्चों ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन किया है उनके प्रश्न पत्रों का स्तर लेवल कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। तो जिन बच्चों ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई किया है तो बच्चे ध्यान दें, उनका जो पेपर का स्तर लेवल होगा कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा, यानी कि 10-12, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य सभी पदों पर जिन बच्चों ने अन्य किसी भी पद पर आवेदन किया है तो उनका प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा, लेवल जो होगा, स्नातक स्तर का होगा, यानी कि ग्रेजुएट स्तर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवार को हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक विषय चुनना होगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी, यानी कि ट्रेड से रिलेटेड कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। यहां से भी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैंने आपको बताया था। अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने, मान लीजिए किसी उम्मीदवार ने डायटिशियन के लिए आवेदन किया है तो उम्मीदवार से डायटिशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से भी आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्रश्न पत्रों के स्तर का लेवल जो होगा उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर जिन बच्चों ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन किया है, इनमें देखिए अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए 45% अंक लाने होंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि जिन बच्चों ने कांस्टेबल के पदों के लिए अप्लाई किया तो उनके लिए क्वालिफाइंग अंक क्या रहेगा देख लीजिए आप लोग। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे। जिन जो बच्चे एससी एसटी वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार जो हैं उन्हें क्वालिफाई करने के लिए 45% अंक लाने होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में भाग ले सकते हैं। यदि आपने लिखित परीक्षा पास करी, यानी कि आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में आप भाग ले सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी दावेदारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। यदि आप लिखित परीक्षा में अनक्वालिफाई होते हैं तो आपकी जो दावेदारी है वो निरस्त कर दी जाएगी ट्रेड टेस्ट के लिए और क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट कुल 20 अंक का होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यह 20 अंक इस प्रकार से होंगे, इसमें आपका आ जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट ब्रांच से संबंधित टूल अथवा इक्विपमेंट को चलाना आदि 10 अंक, टूल अथवा इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए 5 अंक इसमें आपको मिलेंगे, कार्य अनुभव 5 अंक इसमें आपको मिलेंगे। आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जब मैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए वीडियो बनाता हूं तो उसमें काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि इसकी लिखित परीक्षा कब तक होने की संभावना है। तो आपको मालूम ही है कि भारत में क्या चल रहा है इस टाइम, काफी शहरों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है और वायरस भी बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है। इसी की वजह से ये आपका जो एग्जाम मई में होने को था इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मई में जो आपका एग्जाम होना था तो मई वाला जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये जो एग्जाम आपका है अगस्त या सितंबर के बीच में ही होगा, 2 महीनों के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो हो सकती है। तो कहने का मतलब है आपके पास कुल 90 दिन का समय है तैयारी करने का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं खुद से, कोचिंग तो आप कहीं कर नहीं सकते, जाहिर सी बात है क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति है काफी शहरों में। यदि आपके अंदर
यदि आपके अंदर सेल्फ स्टडी करने की ताकत आपके अंदर है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, खुद से तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर, यानी कि यूट्यूब के चैनल से। काफी अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पर, सर्च करिए आपको हर वीडियोस मिलेगा, ठीक है। तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके ऊपर कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं। और यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लाइव टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 3 महीने का समय काफी समय होता है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 3 महीने नहीं तो 2 महीने तो मान ही लीजिए, क्योंकि मई जो है आपका, ये मान के चलिए भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज तारीख हो गई 13, तो मई को छोड़ दीजिए, जून जुलाई 2 महीने मान के चलिए आप, 60 दिन टोटल, 60 दिन मान के चलिए, ज्यादा से मार्क मत लिए, क्योंकि एग्जाम जो डेट है आपकी अगस्त सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? जय हिंद दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लें। जय हिंद।